Assalamu alaikum, dear SLS students. Today we will start our lecture number 12 and unit number we will start unit number 9. It is a poem. So let's start unit number 9 and जी तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक हु टॉट द बर्ड्स इट इज़ अ पोएम परिंदों को किसने सिखाया क्या चीज़ सिखाई अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड हर नेस्ट किसने परिंदों को अपना घोंसला बनाना सिखाया ऑफ सॉफ्टेस्ट वूल सॉफ्टेस्ट नरम तरीन वूल रेशम या ऊन एंड हे एंड मॉस हे क्या चीज़ होती है हे जो है ड्राइड जो ग्रास होता है यानी कि घास को जब कट कर दिया जाता है तो वो जब वो खुश्क फॉर्म में ड्राइड फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं हे एंड मॉस क्या होता है ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम मॉस कहेंगे परिंदों को किसने अपना घोंसला बनाना सिखाया नर्म रेशम घास और काई के साथ ठीक है काई क्या होती है ग्रीन जो ग्रास है वो ड्राइड फॉर्म में Who taught her how to weave it best? Weave क्या होता है बुनना आपने देखा होगा कि परिंदे जब अपना नेस्ट बनाते हैं तो वो अपनी छोटी छोटी जो ड्राइड जो है ग्रास और पत्ते लेके आते हैं तो उनको आपस में बुनते हैं तो who taught किसने सिखाया हर उन्हें how to weave it best कि वो किस तरह उनको बेहतरीन तरीके से बुने And lay the tiny twigs across. और फिर छोटी टहनियों को एक दूसरे के ऊपर से गुजार कर रखना यानी कि टिनी ट्विग्स क्या होती हैं छोटी छोटी शाखें वो एक दूसरे के अंदर से गुजारते हैं और बाकायदा से जैसे सिलाई करते हैं यानी कि उनकी शाखें जब वो नेस्ट बनाते हैं तो उनके जो मॉसेज और हे हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं यानी कि वो इतने वो पायदारी से उसको वो बुनते हैं और छोटी छोटी टिनी ट्विग्स छोटी छोटी टहनियों या शाखों को एक दूसरे के ऊपर से गुजार कर या अब आप नेस्ट भी देखेंगे साथ में कि कितना फाइन जो है तरीके से परिंदे ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंडा हम सेकंड बंद की तरफ बढ़ेंगे हु टॉट द बिजी बी टू फ्लाई बिजी मसरूफ फ्लाई उड़ना किसने सिखाया मक्खी को उड़ना अमंग द स्वीटेस्ट हर्ब्स एंड फ्लावर्स हर्ब्स क्या होती हैं झाड़ियाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाल नहीं होते हैं यानी कि छोटे होते हैं वो उनको हर्ब्स कहते हैं और फ्लावर्स जी मीठी तरीन स्वीटेस्ट मीठी तरीन झाड़ियों और फूलों के दरमियान एंड ले हर स्टोर ऑफ हनी बाय और वहाँ से अपने लिए शहद इकट्ठा करना स्टोर करना इकट्ठा करना हनी शहद प्रोवाइडिंग फूड फॉर विंटर आर्स प्रोवाइडिंग मुहैया करना फूड खुराक फॉर द विंटर आर्स सर्दियों के लिए क्योंकि सर्दियों में हनी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होता है इसीलिए जो बीज हैं वो हमें सर्दियों के लिए ये फूड प्रोवाइड करती हैं Let's move to the second, third stanza. Who taught the little ant the way? किसने सिखाया छोटी चूंटी को वो तरीका वे क्या मतलब हुआ तरीका अब आंट की पिक्चर भी आपको दिखाई दी है साथ में Her narrow cell so well to hole. Narrow, तंग सेल क्या होता है उसका होल होता है जिसमें वो रहती है सो वेल टू बोर कि वो इतने अच्छे तरीके से उसको सुराख को बनाएं उसको बोर करें उसको बोर करने का क्या मतलब होता है उसको होल बनाएं बोर करना टू मेक होल कि वो इतने तंग से होल को किस तरह अच्छी तरह बनाएं एंड थ्रो द प्लेजेंट समर डे और खुशगवार गर्मी के दिनों में टुगेदर आप हर विंटर स्टोर कि वो सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा करना ये किसने सिखाया आपको सर्दियों के सीज़न में आपको आंट्स बहुत कम नज़र आती हैं और गर्मियों में आप देखेंगे कि छोटी सी कुछ चीज़ भी पर नीचे कहीं गिर जाती है तो फ़ौरन से चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उसकी रीज़न क्या होती है कि गर्मियों के सीज़न में वो अपने लिए स्टोर करती हैं फूड
और सर्दियों में क्योंकि सर्दी बहुत शदीद होती है तो वो जो है अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाती हैं और वो अपनी अपने लिए गर्मियों में जो उन्होंने स्टोर की हुई होती है फूड उसको यूज़ करती हैं। तो गर्मियों में आपको नज़र आएंगी जबकि सर्दियों में वो आपको नज़र नहीं आती क्योंकि वो अपना गर्मियों में स्टोर करती हैं फूड को। टू गैदर अप, इकट्ठा करना, हर विंटर स्टोर कि अपने लिए सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना, ये किसने सिखाया? लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा। इट इज़ गॉड, ये अल्लाह ताला हैं, हु टॉट देम ऑल द वे, जिन्होंने तमाम तरीके सिखाए, वे तरीके, एंड गिव द लिटल क्रिएचर स्किल। क्रिएचर क्या होती है? मखलूक। अल्लाह ताला की जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं वो अल्लाह ताला की क्रिएचर हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं। एंड गिव द लिटल क्रिएचर स्किल, और छोटी मखलूक को भी अल्लाह ताला ने स्किल, महारत सिखाई। ही टीच चिल्ड्रन व्हेन दे प्रे, अल्लाह ताला छोटे बच्चों को सिखाते हैं, व्हेन दे प्रे, प्रे करना दुआ करना, यानी कि अल्लाह ताला से कुछ मांगना, जब बच्चे अल्लाह ताला से मांगते हैं। टू नो एंड डू हिज हेवनली विल, जानना और उसकी रजा पर पूरा उतरना। नो जानना, एंड डू करना, और डू हिज हेवनली विल, और अल्लाह ताला की रजा पर पूरा उतरना, यानी कि अल्लाह ताला ही हैं। इस पोइम के अंदर जो आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही हैं जो कि तमाम क्रिएचर्स को सिखाने वाले हैं। ही इज़ द टीचर ऑफ द होल क्रिएचर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस पोइम एंड इट्स मैसेज कि आप सीखते हैं बेटा तो आपको कोई सिखाता है, यानी कि टीचर सिखाता है आपको, लेकिन जो अल्लाह ताला की बाकी क्रिएचर्स हैं उनकी उनका टीचर कौन है? अल्लाह ताला है। इस पोइम के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है कि ह्यूमंस जो हैं वो टीचर से, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं इसके साथ साथ, लेकिन जो बाकी तमाम क्रिएचर्स हैं उनका कोई टीचर नहीं होता, लेकिन उनका टीचर कौन होता है? अल्लाह ताला होता है। यानी कि आंट को, बी को, बर्ड्स को, सारी जो अल्लाह ताला की छोटी से छोटी क्रिएचर और बड़ी से बड़ी है, सबको अल्लाह ताला ने कुछ तरीके सिखाए हैं और अल्लाह ताला ही सबका टीचर हैं। सो ये था आज का आपकी पोइम थी, और आज हम जो एक्टिविटी साथ करेंगे वो बुक के ऊपर ही करेंगे। आज हम एक्टिविटी नंबर सी, मैच द कॉलम, वर्ड्स मीनिंग को आपने मैच करना है बच्चों, ठीक है। मॉस, मॉस के बारे में मैंने बताया था, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनसे पौधे अपने नेस्ट बनाते हैं, अ वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स। ट्विग, छोटी छोटी शाखें, ठीक है, अ वेरी स्मॉल थिन ब्रांच। जी बच्चों, तो आपकी एक्टिविटी करने के लिए जो है साथ में अपना स्केल भी और पेंसिल यूज़ करेंगे, और जो है आपकी जो क्रुक नहीं होनी चाहिए जो लाइन्स ड्रॉ करेंगे। हे क्या होता है जी? ग्रास डैट हैज़ बीन कट एंड ड्राइड, जो घास आप काट देते हैं और वो खुश्क हो जाता है। हे ग्रास डैट हैज़ बीन कट एंड ड्राइड, वेव टू मेक द नेस्ट, बनाना, बुनना, क्या चीज़ बुनना? नेस्ट, घोंसला। बोर टू मेक अ लॉन्ग डीप होल, बोर टू मेक अ लॉन्ग डीप होल, बोर करना यानी कि ज़मीन में सुराख करना। प्रे टू स्पीक टू गॉड, अल्लाह ताला से बात करना, जैसे यानी कि हम जब दुआ कर रहे होते हैं, प्रे का मतलब दुआ भी होता है, जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से बात करते हैं। टू स्पीक टू गॉड। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर डी, यू विल राइट ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, फ्री बिजी, फ्री बिजी, बिटर स्वीट, कड़वा मीठा, बिटर स्वीट, समर विंटर, समर विंटर, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, लर्न सीखना सिखाना, टीच, लर्न सीखना और टीच सिखाना, लेक झील, और इसका अपोजिट हो गया रिवर। जी नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, आपकी एक्टिविटी नंबर एफ, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर्स हैं जो कि आपने राइट करने हैं बुक के ऊपर ही बच्चों। डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, बी डबल ई बी,
SWEETEST sweetest. HONEY honey. PROVIDING providing. Providing. Next word is TWIGS twigs. THROUGH throw. WELL well. Heavily HEAVILY heavily. NARROW narrow. I hope कि आपने ये मिसिंग लेटर बुक के ऊपर कर लिए होंगे. सो ये था बच्चों आपका आज का लेसन, और आप इसी पोएम को रीड करेंगे और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे. स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़.